नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष वट सावित्री व्रत के लेकर बहुत ही संशय आ रही है। हमारे पास बहुत जजवानों का फोन आ रहा था, गुरुजी किस दिन हम लोग वट सावित्री व्रत करें। कोई 29 को बता रहे हैं, कोई 30 को बता रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि 29 मई को वट सावित्री व्रत है, कोई बोल रहे हैं उनको कि 30 मई को वट सावित्री व्रत है। आज मैं आपको प्रमाण के साथ बताने जा रहा हूँ कि किस दिन वट सावित्री व्रत करना चाहिए। आप देख सकते हैं यह पंचांग जो है 2022 का है और यहाँ साफ लिखा हुआ है, स्नान दान सहित वट सावित्री व्रत पूजा 30 मई सोमवार को होगी। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि यदि चतुर्दशी तिथि का मान 18 घटी से ऊपर हो जाए तो वट सावित्री का व्रत अगले दिन अर्थात उदयकालिक अमावस्या तिथि में किया जाएगा। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या 30 को शनि भगवान की जयंती मनाई जाएगी। सोमवार को अमावस्या तिथि होने से सोमावती अमावस्या का व्रत भी है। यह पर्व सौभाग्यवती महिलाओं श्रद्धा एवं विश्वास के साथ 30 मई को करेंगी। पीपल के वृक्ष के जड़ में भगवान श्री विष्णु को प्रतिष्ठित मानते हुए स्त्रियां पीपल के वृक्ष का 108 परिक्रमा करेंगी। ऐसा करने से पति सौख्य में वृद्धि का फल प्राप्त करेगी। यह आपका प्रमाण है कि वट सावित्री का व्रत और सोमावती अमावस्या 30 मई को मनाया जाएगा। आशा करता हूं आपका समस्या का समाधान हो गया होगा। तो 30 मई को सोमावती अमावस्या भी है और 30 मई को ही वट सावित्री व्रत है। जो महिलाएं अपना अखंड सौभाग्य के लिए सोमावती अमावस्या करेंगी वह पीपल के वृक्ष में परिक्रमा करेंगी और जो माताएं बहना वट सावित्री व्रत करेंगी वे वट वृक्ष का परिक्रमा करेंगी, वरगद के वृक्ष का पूजा करते हुए वरगद के वृक्ष का ही वो परिक्रमा करेंगी। निर्णय सिंधु के हिसाब से 30 मई को ही वट सावित्री व्रत है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।